हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल महत्व पॉइंट पे। दोस्तों मैं अजीत कुमार। दोस्तों हमारा 11 लेक्चर समाप्त हो गया है, ये हमारा 12वां लेक्चर होगा। आज का हमारा टाइप 2 होगा, क्योंकि टाइप 1 पहले इसके पहला वाले वीडियो में हो गया है। इसे आज का नोट्स दिया गया है, दिए गए अक्षर समूह से अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, केवल एक बार प्रयोग किया जाएगा। जैसे इसमें शब्द दिया गया है, इसका ऐसे प्रयोग करना जो इसमें दिया गया है केवल उसका एक ही बार प्रयोग किया जाए। वो ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं आइए देखते हैं। एक तो हमारा ये बनेगा ए आर ई, आर मिलता है एक तो ये बनेगा। दूसरा एक और बनेगा ई ए आर, एक तो ये बनेगा ई एम एक्स काम होता है। एक इसमें और बनेगा, वो कौन सा बनेगा दोस्तों, ई आर ए ईरा, ईरा में एक ईरा बनेगा। अब बोलो ईरा में होता क्या है, ईरा में दोस्तों होता क्या आपको तो मालूम होगा, ईरा में युग होता है दोस्तों। इस प्रकार हमारे कितने शब्द बने हुए हैं, तीन बने हैं ना। इसमें क्या क्या है, एक बार प्रयोग किया जाए, इसमें देखो एक ही बार प्रयोग किया गया है, ए आर ई ए आर ई आर ए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया दोस्तों एडल, अब इसे कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, इसे जो शब्द दिया इसे एक ही बार प्रयोग करके आपको कितने बार में लिखा जा सकता है, इसे आपको करना होगा। ठीक है दोस्तों, और करते कैसे हैं आप देख सकते हैं, इसे बनेगा क्या, इसमें एक तो बनेगा डी डी ई एल, एक डील बन गया। अब दूसरा कौन बनेगा, एक डील बन गया, एक बनेगा लीड एल ई ए डी, एक तो डील बन गया लीड बन गया, और एक कौन सा बनेगा डेल डी ई ए एल। अब कितना बन गया, डेल बन गया। अब इसमें और कोई बन रहा है, इसमें आप बोलोगे एक और बन रहा है, अब कौन सा बन रहा है, आप बोलोगे कि लेट बन रहा है, क्योंकि एल ए टी ई एल ए डी ई इतना बन गया। अब इसका आपको हिंदी मालूम रहेगा तभी तो आप बना पाओगे। अब बोलोगे सर डील में होता क्या, डील में समझौता होता है, डील में समझौता होता है। अब लीड मिस क्या होता है, लीड मिस तो लीड मिस क्या होता है, बढ़ता बढ़त, लीड मिस बढ़त होगा। अब डील मिस क्या होगा, डील डील मतलब डील दो हो गया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इसमें एक और बनेगा, कौन सा बनेगा, इसमें एक और बनेगा ना दोस्तों। अब देखिए क्यों कौन सा होगा, एक इसमें डेल बनेगा ना, डी ए एल ई, डेल। ठीक है, डेल में समझौता यहां भी होगा, ये सेम ही है। ठीक है, यहां तक हो गया। और डेल मिस क्या होता है, डेल मिस क्या होता है दोस्तों, लेट मिस बोझ होता है, यहां तक तो बोझ होगा। अब एक हमारा क्या बचा हुआ है, डेल, पहले लेट हो गया, डेल हो, कौन कौन सा, डील हो गया, लीड हो गया, डील हो गया, क्योंकि दो बार दे दिया गया है। अब उसके बाद हमारा रह गया है लेट, रहा लेट मिस होता है हमारा घाटी होता है। ठीक है, इसे कितना बन रहा है, इसे काटोगे कि यहां पे दिया गया है ना, तो ऐसे नहीं, पहले इसे ऊपर मिटाई देते हैं, आपको क्लियर रहेगा ना कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है, कितना बन रहा है यहाँ पे, एक जो यहां शब्द किया होता है एक ही बार प्रयोग किया गया है, एल ई ए डी। ठीक है, डी ई ए एल ये भी सही है, एल ए डी ई ये भी है, डी ए एल ई या एक ही बार प्रयोग किया गया है, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, डी होगा, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस पर चल तीसरे क्वेश्चन की तरफ, हमारा क्वेश्चन तीसरा दिया गया है ए आर ई एन, इसमें भी क्या करना है दोस्तों, इसमें करना क्या है कि एक ही बार इसका प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं वही करना होगा। चलो करते हैं, एक तो हमारा बनेगा नियर बनेगा, एन ई
ए आर, एक क्या बना नियर बना। अब दूसरा कौन सा बनेगा दोस्तों इसमें, एक नियर हो गया ठीक है, और हमारा दूसरा क्या बनेगा, दूसरा अगर देखा जाए तिरंगा बनेगा ना ई ए आर एन, क्या बनेगा ई ए सॉरी क्या बनेगा यहां पे ई आर ए एन बनेगा ना दोस्तों हमारा। नियम होता है पास यानी कमाना, इसे कमाना बोल सकते हैं या कमाई बोल सकते हैं ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हमारा क्या तीसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, चले चौथे क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर दोस्तों ए नंबर सही हो जाएगा ठीक है दोस्तों। चले चौथे क्वेश्चन की तरफ, हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया है स्टेनलेस शब्द के अक्षरों का क्रम बदले बिना तथा प्रत्येक अक्षर का एक ही बार प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। जो यहाँ शब्द दिया गया उसे एक ही बार प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, इसके जो स्थान उसे बदलना भी नहीं है ठीक है दोस्तों, बिना बदले क्रम को बिना बदले करना है ठीक है। तो पहले इसे हम लिख लेते हैं नीचे, यस स्टेनलेस, ये तो है यहां तक ठीक है दोस्तों। अब इसे क्या इसे लिखना है, इसे लिखने के बाद करना क्या होगा, इसमें इसमें क्या कर कहते हैं कुछ इसे बदलना नहीं है ठीक है। यहां तो मेरा आ गया, जैसे यहां तक ये करना, जैसे यहां तक हमारा चल रहा है, यहां तक कुछ भी यहां तक है, यहां भी रुक जाए यहां भी रुक जाए, इसके बाद ऐसे आगे लेके चलना है ठीक है। अगर आपको याद होगा यहाँ स्टेन वाले क्या होता है धब्बा होता है ठीक है, और लेस माने क्या होता है कम। यह हमारा दो हो गया ना, यह हमारा एक वर्ड मीनिंग दिया गया है, ये सात शब्दों का आ गया है शब्द के अक्षरों का क्रम बदले बिना, जो क्रम इसके बदलन ना आ भी जाए, जैसे यहां देखो क्रम ही दिया गया, यहां से बदल नहीं रहा है एक ही है, यहां से अलग अलग हो जा रहा है ना, बदले बिना प्रत्येक अक्षर का एक ही बार प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, क्रम ही नहीं बदल रहा है, यहाँ कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, वहां दो क्रम बनाया जा सकता है एक स्टेनलेस एक लेस। इस प्रकार हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इस प्रकार हमारे चौथे का तीसरा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।